आज हम डिस्कस करेंगे क्यों पीएलए पहुजा लॉ एकेडमी इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार के लिए हर स्टूडेंट इस सर्च पे निकलता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में एनरोल किया जाए सो दैट ही इज एबल टू क्लियर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट ढूंढे तो मेरे कुछ चार पांच सजेशंस हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिए। एंड दीज फोर फाइव थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय अहूजा लॉ एकेडमी फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आप हमेशा बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं। एंड वी हियर एट पहुजा लॉ एकेडमी वी प्रोवाइड द एक्सपर्ट फैकल्टीज इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। जैसे सिविल लॉज पढ़ाने के लिए हमारे पास एक फैकल्टी है, क्रिमिनल लॉज के लिए डिफरेंट फैकल्टी। सो दिस इज हाउ द डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैज बीन डन। फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं दिस यू कैन गेट टू नो थ्रू डेमो लेक्चर्स विच आर कंडक्टेड एवरी वेडनेसडे एंड संडेज। और डेमो जो कंडक्ट किया जाता है इट इज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच इज इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC। तो जितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनका डेमो कंडक्ट किया जाता है सो दैट यू गेट फेमिलियर विद द टीचिंग स्टाइल ऑफ द फैकल्टीज। सेकेंडली, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें अपडेटेड नोट्स चाहिए होते हैं। पहुजा लॉ एकेडमी आपको अपडेटेड नोट्स भी प्रोवाइड करता है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हर स्टेट को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें अपडेट किया जाता है एज एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ और सिलेबस। तो आपको यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ अपडेटेड नोट्स भी मिलेंगे जिसके लिए एक पूरी रिसर्चर्स की टीम पीएलए में काम करती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर आपको बकायदा हर वीक एवरी मंडे अ टेस्ट इज कंडक्टेड। हर ऑल्टरनेट, जैसे वन मंडे इट विल बी अ मेन्स टेस्ट, अनदर मंडे इट विल बी अ प्रीलिम्स टेस्ट। तो आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कराया जाता है मेन्स के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो मेन्स आंसर राइटिंग की भी आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड देन दीज आंसर शीट्स आर चेक्ड बाय द फैकल्टीज हु टीच दोज सब्जेक्ट्स। तो आपको वहां पर रिमार्क्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टेड बाय द फैकल्टीज। देन आपको यहाँ पर बाइफरकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बाइफरकेशन का मतलब है आपको हर सब्जेक्ट के लिए ये बताया जाता है, मटेरियल प्रिपेयर्ड है कि किन स्टेट्स में कौन से ईयर में किस एरिया से कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बाइफरकेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय पहुजा लॉ एकेडमी। देन मटेरियल हो गया, फैकल्टीज हो गई, देन यू हैव द मेंस आंसर राइटिंग। देखिए क्लासेस तो प्रोवाइड होती ही हैं, उसके साथ साथ आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, राइट। एंड देन द फोर्थ वुड बी द मटेरियल एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। तो ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। और देखिए पहुजा लॉ एकेडमी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर स्मॉल बैच साइजेस भी अवेलेबल है। स्मॉल बैच साइजेस का मतलब है मैक्सिमम 50-60 स्टूडेंट्स इन अ बैच। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन नंबर,
वहां पर इंटरैक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एंड विच इज वाई द स्टूडेंट्स हियर एट पहुजा लॉ अकेडमी आर एबल टू हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन विद द फैकल्टी देयर डाउट्स आर सॉल्वड हियर विद इन द क्लास इटसेल्फ. तो ये भी एक एडवांटेज है पहुजा लॉ अकेडमी का. तो आप इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए. ये सारे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं ये हर इंस्टीट्यूट में जब आप अपने लिए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे होते हैं ये सारे एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रखिए. एंड व्हेन यू कम टू पहुजा लॉ एकेडमी जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं ये सारे आपको यहाँ पर पहुजा लॉ एकेडमी में ज़रूर मिलेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.